तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो मेरा वीडियो है ये कौन से टॉपिक पर हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा रूट जो है अपना, जो हम लोग शुरुआत से एंड करते हैं, जो मतलब कि जो बेसिकली जो रूट है उसको सही से दिखाते हैं। मतलब वैसे मैं हमेशा उल्टी तरफ जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज चलो सीधी तरफ से ही चलते हैं जहाँ से है। तो ये देख सकते हो आप, इंडोर स्टेडियम बना है TSH, तो यहीं से हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत करी थी। और वो जो आप देख सकते हो यू शेप गडर आपको दिख रहा होंगे, जो पिलर आ रहे हैं पूरे पूरे, तो वो कुछ यहाँ पर आकर के मिलेंगे मैक्रॉबर्टगंज के आसपास। नाला पड़ता है ये चुन्नीगंज के आगे चल के, चुन्नीगंज में, तो वहाँ से ये इस तरीके से आपको मेट्रो का काम देखने को मिलेगा। तो जो मेट्रो के देख सकते हो आप अच्छे से, जो उसकी लाइन होती है जिस पर बनेगी पटरियाँ वगैरह, तो इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है उन लोगों ने अपने देखने के लिए। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि शायद अंडरग्राउंड पे ही यहाँ पे देख रहे हो आप जा रही है, क्योंकि यहाँ ऊपर काम चल रहा है, नीचे JCB से काम वाम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको चुन्नीगंज के आसपास जो देखने को मिलेंगे, राम अपार्टमेंट के, श्री राम अपार्टमेंट के आसपास का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो कानपुर से देख रहे हैं उन लोगों को पता चल रहा होगा, तो कुछ इस तरीके का वहाँ पर काम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी पूरा अंडरग्राउंड में ही काम चल रहा है। तो ये अब हम लोग आ चुके हैं अपने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक, तो कुछ इस तरीके का काम हो रखा है। सुरंग भी बन चुकी है, टनल पूरी बन चुकी है, और बगल में ही चुन्नीगंज का ये स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा बोर्ड वगैरह भी लगा रखा है। ये BNSD के जस्ट सामने ही बन रहा है, तो आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं अपने परेड के आसपास, परेड चौराहे के ये नज़ारे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी पूरा अंडरग्राउंड का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। कल्याण जी देख सकते हैं आप, तोमदा प्लाजा के आसपास का ये एरिया है। चलते हैं बड़े चौराहा में, वहाँ आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं कि क्या काम चल रहा है। यहाँ तो यार सब पूरा अंडरग्राउंड चल रहा है, तो अंडरग्राउंड क्या, मैं ऊपर ही से आप लोगों को दिखा पाता हूँ हमेशा कि किस तरीके का काम चल रहा है। तो ये देख सकते हो आप, कुछ ये नज़ारे हैं देखने को मिल रहे हैं। और ये चेक करें आप एक बार भाई, मैंने वीडियो लिटरली बंद कर दिया था, लेकिन मैंने देखा रे, तब मैंने फिर से इसको रिकॉर्ड करा, तो कुछ यही नज़ारे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं मॉल रोड के आसपास, तो मॉल रोड के पास कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ मिट्टी विट्टी को खोद के रखे गए, मतलब कि टनल का काम पूरा हो ही चुका है। यहाँ पर स्टेशन जो बन रहा है, तो कुछ उसके इस तरीके के नज़ारे हैं, पूरा बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, फिनिशिंग वगैरह करनी रह गई है। तो ये आप चेक करें, जस्ट मॉल रोड चौराहे पर कुछ ये टनल आपको देखने को मिल रही है। ऊपर से नीचे तो नहीं जा सकते हम, ऊपर ही ऊपर से आपको सारी टनल्स दिखा रहे हैं। ये एक जो सुरंग है कुछ इस तरीके की ऊपर से दिखाई पड़ रही है। तो ये हम लोग देखते देखते अपने पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल, सेंट्रल के आसपास कुछ ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और कुछ लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि जो इसको चौड़ा करने का, जो इसको फिर से कानपुर सेंट्रल को बड़ा अच्छा करने का, सुंदरीकरण का वीडियो जो है वो भी दीजिए, तो वो भी बहुत जल्दी वीडियो आएगा। छोटा सा ही वीडियो होगा, पर मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगा ज़रूर। तो कुछ इस तरीके का मेट्रो अपडेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा यहाँ पे टनल आप देख सकते हैं। चलते हैं एक बार, आप लोग को एक एरियल व्यू देते हैं ब्रिज के ऊपर से चल करके, तो कुछ ये नज़ारा है। यहाँ पर जो कानपुर सेंट्रल स्टेशन को बड़ा किया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, वो तो दिख ही रहा है काम। कानपुर मेट्रो का जो काम चल रहा है सेंट्रल का, वो भी दिख रहा है। पर यार ठीक है, चलते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा मैं क्या बोलने जा रहा था। तो चलो मैं चलता हूँ आगे, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कानपुर सेंट्रल का, मे भी ये पता नहीं चल पा रहा मेट्रो स्टेशन बनेगा या कुछ बनेगा, यार्ड वगैरह जो भी बनेगा, तो यहाँ पर उसका काम बिल्कुल जस्ट सट के ही चल रहा है। ये देख सकते हो आप, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, पूरी सरिया वरिया जो है स्टील बार्स को अच्छे से जोड़ दिया गया, लिंटर बहुत जल्दी ही डाला जाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आप चेक करें, यहाँ पर पूरा सिटी लाइन के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो यही सब नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये कुछ हम लोग पहुंच चुके हैं झकरकटी के पास, ये बहुत बड़ा सा सुरंग जैसा दिख रहा था गड्ढा, यहाँ पे कोई बड़ी सी टनल होने वाली है। बड़ी सी क्या, टनल तो वही होगी यहाँ पूरा। ये मैंने किसी सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया था, तब से मुझे पता चला कि ये कंट्रोलिंग हब बनेगा पूरा झकरकटी का। इसी वजह से झकरकटी का जो ये स्टेशन है काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। अब देखते देखते मैंने देखा कि यार ये जेट प्लेन जा रहा है, तो मैंने कहा कि चलो कुछ इसके भी शॉट्स ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये बाहर से देखने को मिल रहा है। चलते हैं और आगे,
ये देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं जूही के पास। तो यहाँ पर भी टनल्स का काम कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। बाकी पहले के वीडियो में अगर आप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था, अब तो यहाँ पर फिनिशिंग वगैरह चल रही है। आई बटन में लिंक मैंने दे दी है प्रीवियस वीडियोस की अपडेट की, तो वो आप देख सकते हो। तो ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये टनल का जो ओपन पार्ट है वही देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके का काम देखने को मिल रहा है। जो मेट्रो के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी गाड़ियाँ भी पार्क हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो कुछ ये नज़ारे आप लोग को यहाँ पर देखने के मिलेंगे, पूरा अंडरग्राउंड टनल ही टनल दिख रही है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये चेक करें आप, बीच में अभी यहाँ डॉक्टर सोनेलाल पटेल के स्कूल के पास कुछ काम देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पर भी मिल गया है। और ये आप व्यू देख सकते हैं फिलहाल इस तरफ से। अभी आप देखिए, मैं एक बार आगे से भी आपको चल के दिखाऊंगा। ये अपना अब यहाँ से रैंप वाला काम चालू हो जाएगा, तो ये अंडरग्राउंड अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो कुछ इस तरीके का काम देखने को मिल रहा है। चलते हैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार सामने से भी दिखा देते हैं चल के किस तरीके का देखने को मिल रहा है। और साइड में ही यहाँ पर बनाया गया हुआ है जब ग्रीन वाला पिलर देख सकते हो, तो यहीं पे ही कंट्रोलिंग जो कुछ मटेरियल्स वगैरह जैसे मैंने दिखाया था आप लोगों को गल्ला मंडी में पूरा उन्होंने यार्ड बना रखा है, वैसे यहाँ पर भी यार्ड बना रखा है। तो यहीं से ही सारे यू शेप गर्डर वगैरह सब उठा उठा करके बना करके ले जाए जाते हैं, तो यहीं बगल में ही बना हुआ है। तो कुछ सामने से आप चेक करें इस तरीके के नज़ारे आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को और सामने ले करके चलता हूँ। पूरा यहाँ पर स्टील बार्स पड़े हुए हैं, ये चेक करें आप एक बार। तो ये देख लीजिए कुछ सामने से इस तरीके का देखने को मिल रहा है। और अपना वीडियो जो है वो भी लगभग एंडिंग पे ही आ चुका है, तो देख सकते हो आप। चलो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।